జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా శ్రీనగర్లోని డాన్ సరస్సు ఒడ్డున నిర్వహించిన యోగా దినోత్సవ కార్యక్రమంలో పిఎం మోదీ పాల్గొన్నారు. ఇక పదిహేండ్లుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా యోగా దినోత్సవం జరుపుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు ప్రధాని మోదీ. 2015లో తొలిసారి యోగా గురించి ప్రస్తావించాక మార్పు మొదలైందన్నారు. ఇక విదేశాల్లో యోగా చేసే వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతుందన్నారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. యోగా వల్ల శారీరకంగా మానసికంగా మార్పులు వస్తాయని వెల్లడించారు మోదీ. कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है श्रीनगर में, हम उसे महसूस कर रहे हैं. मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं. साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है. 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था. भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था. तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है. 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया. ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था. पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला. इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था. योग की ये यात्रा अनवरत जारी है. भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है. मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है. विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की. साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है. योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है. योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है. मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता, शायद ही कोई एक आज मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की. कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है श्रीनगर में, हम उसे महसूस कर रहे हैं. मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस